देखिए एक इंटरनेशनल T20 और ODI का एक इनका सीरीज रहेगा जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। तो श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश, बांग्लादेश में बस ये है कि अभी ना शाकिब को लिया गया ना तमीम को लिया गया, वर्ल्ड कप के लिए लिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और इसमें भी वानिंदो हसरंगा एक दो मैच के लिए बैन है, इतनी मेरे को पता है, ठीक है। बाकी अपन देखते हैं, एक अच्छा टूर्नामेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और वैसे में भी बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना कोई आसान नहीं होता, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पिचेस थोड़ी सी टफ होनी चाहिए, सिंस ये हर बार पिचेस टफ ही रखते हैं जो भी अगेन मतलब आप सकते हो बाहर की टीमें आती हैं, ठीक है। नजमुल हसन सांटो इनके कैप्टन है, आइए देखते हैं मैच। आपको एज यूजुअल फैनकोर्ट में मिलेगा और रात और दोपहर दोनों का ही मैच एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। 4 से 9 मार्च के बीच में ये मैच चलेगा और बांग्लादेश की अब जो पिचेस हैं जहां तक मैं ये देख रहा हूँ, जैसे सिलेट में आप देखो रन ज्यादा नहीं बनते और इंटरनेशनल मैचेस में थोड़ी सी पिच टफी रखते हैं जहां तक मैंने नोटिस किया, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेयर्स के नाम दिख रहे हैं, प्लेयर आपको सबको पता है, ठीक है। मेरे को कुछ बताने नहीं, आपको क्या मिल सकता है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देख लेते हैं पहले तो 3 T20 है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बांग्लादेश का, जस्ट अभी इनका BPL का खत्म हुआ है, ठीक है। इनके सारे इन्होंने उठाए हुए जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो ओपन करेंगे लिटन दास, काफी अच्छा खेलते हैं। नजमुल हसन साटो फॉर्म में नहीं है पर इंटरनेशनल काफी अच्छा खेलते हैं। नईम भी मोहम्मद नईम भी ओपन कर सकते हैं, काफी रन इन्होंने बनाया है। अनामुल हक ये खुलना के कैप्टन थे, इन्होंने भी काफी रन बनाया है, इनको लिया गया। ये 7-8 साल पहले बहुत नाम हुआ था इनका पर अपने एटीट्यूड की वजह से चले गए, ठीक है। रॉबर्ट रेडवान के फ्यूचर है तो सभी जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है काफी तेज खेल रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस रन बना रहे हैं, BNRY के कैंडिडेट आपको अच्छे से मिल सकते हैं, एक सेंचुरी भी मारी है इन्होंने, ठीक है। तो बैटिंग लाइनअप में तो फिलहाल कोई कमी नहीं दिख रही, हालांकि इनकी बैटिंग हमेशा पुअर रहती है, इतना याद रखिएगा, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। बाकी देखा जाए तो सौम्य सरकार भी फ्लोटिंग प्लेयर है, कभी ऊपर भेजा जा रहा है नीचे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब के प्लेयर हैं महमूद अल्लाह रियाद, अब इनकी एज हो चली है, मेरे हिसाब से इनको ये वर्ल्ड कप के बाद इनको निकाल दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे। तो हालांकि अच्छा खेल रहे हैं, इन्होंने चैंपियनशिप जीती को उसने फॉर्च्यून बरिशाल ने, इनका रोल भी था, ठीक है। मेहदी हसन मेरे हिसाब से दूसरे वाले मेहदी हसन है जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की, ओपन बॉलिंग ये करते हैं और रन भी बनाते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं इनके शायद इन्होंने इनके जो मैं ये हट के बात कर रहा हूँ, इनके जो कोच थे उन्होंने बोला मैं तो TV भी नहीं खोलता, इतने खराब मैच होते, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे ये जो टीम है जो आपकी ये जो शुभागाटा होम जिस टीम के कैप्टन थे, ठीक है, सिलहेट हो गई आपकी, आपकी दोरोंडो ढाका हो गई, बहुत सारी टीम ऐसी है जो बहुत पुअर है। और ये जो इनके जो जो चैंपियनशिप जीते हैं फॉर्च्यून बरिशाल के, इनके जो ओपनर मेहदी हसन वो इंटरनेशनल सुपरस्टार है, वो बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। अगर आप उनको इन सारी टीम में भेज दो, शुभागाटा होम क्या करेंगे 36 साल के, ना तो कभी इंटरनेशनल खेलने वाले। अब मेहदी हसन को उधर भेज दो, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, उनके अंदर एक स्किल भी डेवलप होगा। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट बॉलिंग नहीं की मेहदी हसन ने, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये BPL कराते क्यों है फिर। अरे भाई टीम को डिवाइड करो, एक ही टीम में 75 अच्छे प्लेयर आप उतारोगे तो फॉर्च्यून बरिशाल को मिला हर साल जीतेगी, पिछले 2-3 साल से को मिला जीत रही थी, इस साल फॉर्च्यून बरिशाल जीत गई। सारे मेन प्लेयर इनके पास है, महमूदुल्ला, इनके रहीम, सौम्य सरकार, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करो भाई। जो नीचे के 3 खराब प्लेयर है खुलना वगैरह टीम में कोई है ही नहीं, आप उसमें इन सारे प्लेयर्स को डाल के कैप्टनसी दो ताकि वो डेवलप हो सके। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अली सहमद देखिए ये सुनील नारायण की कॉपी कैट है, ठीक है, पूरा उन्हीं की तरह इन्होंने एक्शन लिया है। और सिंस सुनील नारायण का एज हो चला है तो देखिए जिसकी जिसकी एज हो चलती है उनका रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाता है, बॉलिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो अभी नए प्लेयर आए हैं जो सुनील नारायण से आप इनको कंपेयर कर सकते हो, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट इन्होंने लिया है, ये भी ओपन बॉलिंग कर रहे थे। अब इनको कैप्टनसी किस हिसाब से देंगे नहीं पता, पर ये भी काफी विकेट लेके देंगे। और शाकिब हसन की जगह मेरे हिसाब से इनको लिया जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान टॉप क्लास बॉलर, कुछ बोलना नहीं। ताइजुल इस्लाम अगर आप मेरे को फॉलो करो, मैंने कई बार बोला ये क्यों नहीं खेल सकता T20, इन्होंने इनको ये T20 खिलाते ही नहीं है, टेस्ट के टॉप क्लास बॉलर, इनसे बेस्ट बॉलर लेफ्ट आर्म का भी बहुत रेयर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनको टेस्ट T20 में लिया गया, स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे इसलिए इन्होंने लिया है और ये भी विकेट लेंगे। बाकी इनके जो मेन प्लेयर हैं तस्कीन अहमद नीचे मीटिंग कैपेबिलिटी रख लेते हैं, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम भर भर के विकेट इन्होंने BPL में लिया था, पर टीम में बैटिंग में कुछ था ही नहीं। तो ये दो टॉप क्लास बॉलर हो गए। ऋषभ हसन मेरे को काफी पसंद है, लेग स्पिनर है और अच्छी हिटिंग कैपेबिलिटी नीचे में रखते हैं। बाकी तंजीम को शायद ही खिलाया जाए, ठीक ठाक प्लेयर है, ODI टाइप के क्रिकेटर है मेरे हिसाब से और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो टीम में कोई कमी नहीं है। हालांकि आप इनकी हर बार आप इनकी बॉलिंग पर ही भरोसा करना, बैटिंग पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इनके नीचे की हिटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, तो ये टीम आपको वही है कि अपनी धरती पर खेल रही है, आप अच्छा खासा आपको बैटिंग वाइज, चेज वाइज, डिफेंड वाइज सब दे सकती है, ठीक है। तो एक पूरा प्योर डिस्कशन मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब इधर आते हैं श्रीलंका में, जो हमने देखा श्रीलंका ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान को रौंद के रख दिया, ठीक है। हालांकि इनकी बैटिंग अभी भी कुछ अप डाउन लगती है, हालांकि इनकी बॉलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉग है। देखा जाए तो बॉलिंग में मेरे को कुछ बोलना नहीं है, सबको आप जानते हो, सिंस ये लेग स्पिनर है अच्छा करते हैं। अखिला धनंजय मेरे को पर्सनली उतने पसंद नहीं है, बट ये लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर ले रहे हैं इसलिए विकेट ले रहे हैं। और ये 3 इनके मेन तेज गेंदबाज ये स्पिनर है, ठीक है, आप मालूम ही है। वानिंदो हसरंगा पहला 2 मैच नहीं खेलेंगे, 2 मैच का इंटरनेशनल बैन लगा है, तो कैप्टनसी चरित श्रीलंका को दी गई है, ये मेरे को पर्सनली उतने पसंद नहीं है, हालांकि रन बना रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर। धनंजय रिचलवान के अच्छे क्रिकेटर, एंजेलो मैथ्यूज का सिलेक्शन जब हुआ था तभी मैंने बोल दिया था बैटिंग दोनों से अच्छा करके देंगे। कामिंडो मेंडिस इनके लास्ट मैच में इन्होंने काफी अच्छा खेल दिया था, ये बॉलिंग वाइज में लेफ्ट आर्म का स्पिनर भी कर सकते हैं, राइट आर्म का स्पिन ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर है। फाइनली इनको लिया गया। तसुन साना का अभी भी फॉर्म में नहीं है बट कहीं ना कहीं टीम में तो रहेंगे। बाकी इनके जो 4 प्लेयर हैं, निशांत डिकवेला का सिलेक्शन हुआ, शायद इन्होंने IL T20 अच्छा खेला था, बट मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, बॉल नॉट के कैंडिडेट है एकदम इजीली, ठीक है, ज्यादा बॉल नहीं खेलते। अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस सब खेलेंगे कहीं ना कहीं, इन्होंने प्रथम निशांका को नहीं लिया जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, T20 में ऐसे में भी ODI में खेले वो ज्यादा बेटर है। टीम अच्छी है सारी, मेरे को कुछ बोलना नहीं है। ये आप BNRY कैंडिडेट रहेंगे अगर तीसरे T20 में आएंगे, आपको नोटिस करना है, या के मार रहे हैं 4th-5th नंबर पर, तो ये कोई नोटिस नहीं करा, आप नोटिस करो, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, देखिए मैं सही बोलूंगा, सिंपल सी चीज बोलूंगा,
हमारी टीम यही रहेगी, ठीक है। भले ही इसकी बॉलिंग अच्छी है, इनके प्लेयर अच्छे हैं, मेरे को मतलब नहीं है, आप इनके साथ रहोगे तो आपका काम होगा, ठीक है। सिंस अपने धरती पे खेल रहे हैं, बॉलिंग वाइज बैटिंग वाइज ताइजुल इस्लाम, नीचे में शरीफुल इस्लाम सब मार लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बॉलिंग वाइज तो हालत खराब करेंगे, और ये पूरा टूर्नामेंट वाइड डबल एसन का ही होगा, याद रखिएगा। अगर हैवी गैप देता है वाइड डबल एसन, आप जा सकते हैं, जैसे मैंने अफगानिस्तान में बोला था, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी को नहीं पता था, सब में वाइड डबल एसन हुआ, आपका काम हुआ, ठीक है। कितना डिफरेंस देगा थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा, बाकी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये टूर्नामेंट विकेट नॉट का टूर्नामेंट होगा, ये टूर्नामेंट आपका जैकपॉट का टूर्नामेंट होगा, ये टूर्नामेंट आपका काफी अच्छा बनेगा, ठीक है। हमारी टीम इसमें यही रहेगी, ठीक है। इवन दो टीम में शाकिब नहीं है, तमीम नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी हसन जो इनके मेन प्लेयर हैं ऑफ स्पिनर वो नहीं खेल रहे, ठीक है। मुशफिकुर रहीम नहीं खेल रहे, तो इनका विकेट कीपर तब कौन है, इनका विकेट कीपर अच्छा निरन दास करेंगे, इनकी बैटिंग में कमी है, ठीक है। बट हमारी टीम फिर भी बांग्लादेश ही रहेगी, ठीक है। अपना काम तो बांग्लादेश पे ही होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलना, हमारी टीम इस टूर्नामेंट में ही रहेगी, तीन में तीन आप इनके साथ रहोगे, स्ट्रॉन्ग टीम याद रखिएगा श्रीलंका, उस हिसाब से आपको देगा, और इनका वाइड डबल एसन करना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा टूर्नामेंट, हमारे मतलब का टूर्नामेंट, और अपने को कुछ बोलना नहीं दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।